Assalamu alaikum and good morning students. Let's begin with our math class. Today we will solve question number 4 of this exercise. Okay, this exercise 10b. Okay, on page number 251, question number 4 is, given that AB is parallel to CD, find the value of the unknown in each of the following figures. Okay, ye do diagrams diye hue hain. सो इनके अंदर अननोन्स यानी कि वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, इनकी हमने वैल्यूज़ निकालनी है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. सो आई हैव ड्रॉन द डायग्राम रफली ऑन माय पेज. ठीक है, सो हमें देखो क्या गिवन है. ये टू पैरेलल लाइंस हैं और इनके दरमियान से ये दो ट्रांसवर्सल बन रहे हैं. ठीक है, अगर इसको हम एक्सटेंड करें, कैसे बनेगी लाइन और ये कैसे बनेगी. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा है कि अगर टू पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उसके उनके दरमियान में एक तीसरी पैरेलल लाइन भी बन सकती है. ठीक है, उनके दरमियान में बहुत सारी पैरेलल लाइंस बन सकती हैं. ठीक है, सो हम लोग एक पैरेलल लाइन और इसके दरमियान में ड्रॉ करते हैं जो कि इस कॉर्नर से पास करती है. ठीक है, जहाँ पर ये दोनों ट्रांसवर्सल्स इंटरसेक्ट करें. सो ये हमने एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल है. इसका नाम हम लोग कुछ भी रख देते हैं, पी क्यू रख देते हैं. ठीक है, अब ये पी क्यू जो है ये इस ए एंगल को डिवाइड कर रही है. ठीक है, लेकिन ये हाफ़ में डिवाइड नहीं कर रही, हमें नहीं पता ये कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है. ठीक है, टू थर्ड भी हो सकता है ये एंगल. ठीक है, डिवीजन में. सो अब हमारे पास थ्री पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इनको क्रॉस कर रहा है. ठीक है, और एक इस तरह से. ठीक है, सो हमने पढ़ा है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल्स. ठीक है, यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. इंटरनल एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मीन्स कि इन दोनों का सम जो होगा वो होगा 180 degrees. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को कंसिडर कर लेते हैं. सो वी नो कि 142 degrees प्लस, अब इस पूरे एंगल का नाम ए था लेकिन इस इतने का हमने कोई नेम नहीं रखा, तो हम इसको कह देते हैं, इस पॉइंट का नाम है ई. ठीक है, ए ई क्यू. ठीक है, सो ए ई क्यू यानी कि ये एंगल इतना पार्ट, इसको ए ई क्यू का नेम दे दिया है. दैट इज़ इक्वल्स टू 180 degrees. ठीक है, इन दोनों का सम 180 degrees के इक्वल है. ठीक है, सो हमने ये वाला एंगल निकालना है, इसका मतलब है कि ये 142 दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 142 degrees. ठीक है, सो हमारे पास ए ई क्यू की क्या वैल्यू आ रही है, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो दैट इज़ 38 degrees. तो इतना पार्ट 38 degrees. अब इसी तरह से नीचे वाली पैरेलल लाइंस को कंसिडर करेंगे. नाउ वी विल राइट, नाउ अब हम लोग क्या करने लगे हैं, 114 degrees प्लस क्या लिखेंगे, इस एंगल का क्या नाम बनेगा, सी ई क्यू. ठीक है, ई पॉइंट पे एंगल है और सी ई क्यू यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे बन रहा है. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 180 degrees. सेम उसी तरीके से हमने 180 में से माइनस किया 114 को एंड वी गेट 180 माइनस 114. ठीक है, तो हमारे पास आता है 66 आता है हमारे पास. ठीक है, नाउ ए इक्वल्स टू, ए क्या बनेगा हमारे पास, इन दोनों का सम बनेगा. सो वी विल राइट 38 degree प्लस 66 degrees, वी गेट द आंसर. सो दैट इज़ 104 degrees. ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो दैट इज़ ऑल्सो जस्ट सिमिलर टू दैट वन. ठीक है, जो हमने पीछे किया, देखो इनकी डायग्राम्स, ये एंगल यहाँ पे बन रहा था अंदर वाले साइड पे, ये वाला एंगल बन रहा है बाहर वाले साइड पे. ठीक है, वही काम हमने यहाँ पे करना है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इन दोनों पैरेलल लाइंस के दरमियान में जो इस पॉइंट को के अंदर से पास करे. ठीक है, तो देखो इसका नेम भी हम लोग पी क्यू रख देते हैं. ठीक है, ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो
और इस पॉइंट को ई का नेम दे देते हैं। सेम उसी मेथड से होगा ये काम, जस्ट डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, अब हमारे पास इंटरनल एंगल्स नहीं है। तो हमने पढ़ा है ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो वी विल राइट इस एंगल का क्या नेम है, ए ई पी, ए ई पी इक्वल्स टू 69 डिग्रीज, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट द स्मॉल रीज़न, जो दोनों जगह पे यही बनने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल कौन सा है, सी ई एंड पी, सी ई एंड पी जो एंगल है दैट इज इक्वल्स टू 37 डिग्रीज, बिकॉज द सेम रीज़न, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो दोनों जगह सेम रीज़न बन रही है हमारे पास। ठीक है, सो ये वाला एंगल 37 है और ये वाला एंगल 69 है, सो टोटल बी क्या बना, 69 डिग्रीज प्लस 37, सो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 106 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज़ आवर आंसर।